बढ़ते अगली खबरों की तरफ। खबर है जनपद बहराइच से, असत पर सत, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक दशहरा पर जनपद बहराइच के मटेरा क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। वहीं बहराइच असत पर सत, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पर शुक्रवार को जिले में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराते हुए धूमधाम से मनाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच रामलीला मैदान में राम रावण युद्ध के मंच हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंगनवाड़ चलाते ही लगभग 21 फीट का रावण का पुतला धू धू कर जल गया और इस तरह एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ ही अनाचार पर सदाचार की विजय और असत पर सत्य की जीत हुई। और इसी दौरान जनप्रतिनिधियों, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने जनपदवासियों को विजयदशमी की बधाई भी दी। देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। आज विजयदशमी का दिन है और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, ये कार्यक्रम आयोजित मटेरा में किया गया है। आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या कार्यक्रम है? हर वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है, तो क्या मटेरा के लिए खास आते हैं? मटेरा के लिए क्या खास रहा? जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, ये विजयदशमी का दिन मनाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? हर वर्षों की बात, मटेरा में विजयदशमी का उपलक्ष्य बुराई के सत्य की जीत है। जी, कम से कम 10 किलोमीटर से लोग आते हैं, इधर कहाँ, इधर नवाबगंज के करीब से सभी गांवों के लोग आते हैं यहाँ। चलिए, कम से कम इसमें 50,000 की भीड़ होती है। कोरोना को देखते हुए इस बार प्रचार प्रसार कम किया गया है, इसके बाद भी भीड़ का अंदाजा बहुत। चलिए, बहुत बहुत। आज बुराई पर अच्छाई की जीत विजयदशमी मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? इस बीच कोरोना काल के किस तरीके से ये मनाया गया, ये चीजें बताइए। कोरोना तो हमारे यहाँ लगभग समाप्त है, फिर भी हम लोगों ने उसका पालन किया है। भीड़ तो है दशहरे मेले में, तो कहाँ तक इतना हो सकता है, लेकिन अपने तरफ से कोशिश की गई है। ये रामलीला की कमेटी ये किस जगह से आई है, इनका कार्यक्रम कैसा रहा यहाँ पर? ठीक रहा, ये रामलीला कमेटी कहीं बाहर से आई थी, तो उन लोगों ने यहाँ एंगेज कर लिया है, कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।